आपको खुश रखे को गल समझ आई है कोई नहीं यार कहीं दर्द होंगी काफिर कहा मैं और तेरा प्यो काफिर ने कोई नरम गोशा नहीं है निकल गया मेरी बात याद रख ले बस कुत्ते बंदे ना बह के की गल करिए साडे सामने आके साबित करे कीश है असी दसांगे रसूलुल्लाह दे गुलाम ही सच्चे सन और खत्मे नबुव्वत दे पहरेदार ही सच्चे पुछण वाला कोई नहीं यार लेकिन यह बात दो तीन याद रख लो तुम बड़िया काम दे इजराए नबूवत वास्ते जरूरी है तीन चीजा आपको बड़ा औखा जहाँ लफ्ज़ बोले मतलब की मैं समझा सरकार समझ आई ना नवे नबी की जरूरत कदों पैंती है कुरान हदीस के दलायल क्या है अगर कोई नवा नबी आना हो तो की दलीलों की लड़ पी है की वजह होंगी है की सबब और रीजन होंगे तीन वजह जी अगर उन्होंने कोई एक पाई जाए नवे नबी की लड़ पै जाती है अगर वह ना हो नवे नबी की लड़ ही नहीं यह जिम्मे कहते ना जड़ मजबूत करता पिया जे जरा तकड़े होकर सुने जे नंबर एक नवे नबी की लड़ उस वे पैंती है जिस वेले पहले नबी की तालीमात तहरीफ कर दी जाए बदल दिता जाए ख्वाहिशा नफ्स के लोग बदल छड़न उस वेले नवे नबी की लड़ पै जाती है भी आवे तो जिहड़ियां लोकां अपनी ख्वाहिशा नफ्स के मसले बदल छड़े मस कर दिता दीन उन्हूं जरा आके रिन्यू किया जाए और नया तो नया मसला वह इन्हां नूं अता किया जाए ये इजराए नबूवत और जरूरत नबूवत का मसला है समझ आई है ना जी ये रिवायती तकरीर तो हट क्या फायदा होंगे जी गल सुना बुनियादी बातों का बंदे पता लगता है नंबर एक हूँ ये उत्ते मैं जरा दसा साडे नबी तो बाद कोई नवा नबी नहीं आ सकता क्योंकि ये जरूरत ही नहीं तुसीं आखोगे दलील मैं कह दलील कुरान दे विच अल्लाह ने फरमाया इन्ना नहनु नज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिज़ून फरमाया हबीब कुरान नाजल भी असी कीता है एदी हिफाजत भी असी करनी है ते जदो हिफाजत अल्लाह करे ते ने बदलना नहीं ते जदो बदलना नहीं है ते तारीफ हो नहीं सकती जदो तारीफ नहीं नवे नबी दी लोड़ ही नहीं अच्छा अजे भी समझ नहीं आई मैं मसला थोड़ा जिहा होर पक्का कर लवां ना ये साडा कुरान जिहड़ा इहदे विच रब ने चैलेंज कीता होया है अल्लाह ने फरमाया क्यामत तक आले आने वाले काफरो फातू पे सूरत में मिसले ही अगर ताकत हो तो एक सूरत बना के दिखाओ वो एक चैलेंज छोड़ता है आज तक कोई नहीं बदल सकिया तो जब कुरान असली शक्ल दे विच है एदी तालीमात नहीं बदलियां तो नवे नबी दी लोड़ ही नहीं है अल्लाह को खैर बरकत अता फरमाए बोलेंगे हाथ उठा के सुभान अल्लाह सारे हजरात आप जितने बैठे ए पहला मकाम समझ आ गया दलील भी समझ आ गई है लिहाजा लोड़ ही नहीं जदों साडा दीन कुरान हर चीज बदल सकता ही नहीं सदके जावा जेडे चुप बैठे अल्लाह करके मदीने जाओ जेडे बैठे हो हर साल जाओ वजह है सबक रात की तवज्जो फरमाई दूसरा दूसरा सबब और रीजन क्या है दूसरा सबब ये वे कि वह जो नबी हो ना वो तालीमात उन्हां लोकां वास्ते होण लेकिन जिवें जिवें जमाना है जदीद आउंदा जावे ना तो उन्हां दी जरूरत पूरी ना कर सके मुकम्मल ना होवे अल्लाह उहदे उत्ते तकमील दी मोहर ना लावे बस दीन दे छड्डे बस जिन्नी उन्हां दी लोड़ है घर पूरा नवें होणगे तो नवें नूं देआंगे तकमील दा ना पता होवे साडे महबूबे पाक नूं जिहड़ा दीन दित्ता है ना इस तों बाद लोड़ ही नहीं नवें दीन दी जिन्ना मर्जी जदीद दौर आ जाए तुसी आखोगे समर साहब गल बड़ी वड्डी कीती है पर दलील मैं कह दलील कुरान दे विच है
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਪੈਣਾ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਲ ਯੌਮ ਅਕਮਲਤੁ ਲਕੁਮ ਦੀਨਕੁਮ। ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਬੰਨੀ ਖਲੋਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਵਾ ਅਕਮਲਤੁ ਅਲੈਕੁਮ ਨਿਅਮਤੀ ਵ ਰਦੀਤੁ ਲਕੁਮ ਅਲਇਸਲਾਮ ਦੀਨਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਹਬੀਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀਨੇ ਕਾਮਿਲ ਅਤਾ ਫਰਮਾਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੀਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕੁਰਾਨ ਅਤਾ ਕਰ ਛੱਡੇਗਾ। तो जो है सबद रात।